किसान भाइयों, जैसा कि खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो हमारी धान की फसल है उसकी रोपाई हमारे किसान भाई इस समय कर रहे हैं, और धान की रोपाई का जो समय है वह जून माह से शुरू होकर और अगस्त के प्रथम सप्ताह तक का जो समय है वह उपयुक्त रहता है। प्रजाति के अनुसार किसान भाई धान की यहाँ पर खेती करते हैं, और धान की खेती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर के क्षेत्रों से लेकर घाटी के क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में सिंचित धान की खेती बहुत ही मुख्य रूप से की जाती है। धान तीन तरह का, जो एक तो बारीक धान जिसको हम सुपरफाइन कैटेगरी में रखते हैं, दूसरा मोटे धान जिसमें कि मोटे दाने वाली जो प्रजातियां हैं उनकी, और तीसरी जो सुगंधित और बासमती की जो प्रजातियां हैं उनकी खेती हमारे किसान भाई यहाँ पर करते हैं। धान उत्पादन में प्रति हेक्टेयर यदि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे उत्तर भारत में जो अन्य प्रदेश हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उनकी तुलना में हमारे प्रदेश की जो औसत उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर वह काफ़ी कम है, और यह प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होने के कई कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों में यदि हम ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा कारण है खरपतवार नियंत्रण। यदि हमारी फसलों में खरपतवार का आक्रमण हो जाता है तो अनुसंधान के आधार पर यह देखा गया है कि धान की फसल में यदि हम सही तरीके से खरपतवारों का प्रबंधन न करें तो इनसे होने वाली हानि लगभग लगभग 50% तक आंकी जा सकती है। यह क्षेत्र के हिसाब से अलग हो सकती है, प्रजाति के हिसाब से अलग हो सकती है, और धान की जो खेती करने का जो हमारा अलग अलग भूमियों पर अनुभव है तो उनमें सभी क्षेत्रों में अपने अलग अलग से इस हानि का स्तर आंका जा सकता है। अतः धान से अच्छा और भरपूर उत्पादन लेने के लिए ये आवश्यक है कि फसल को खरपतवार मुक्त रखा जाए, और खरपतवार मुक्त रखने के लिए कई ऐसी सस्ते विधियां हैं जिनको किसान भाई यदि अपनाएं तो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हम धान की फसल में कर सकते हैं। धान की फसल चूँकि बहुत अधिक क्षेत्रफल में रोपाई के द्वारा उगाई जाती है, इसमें पहले हम पौधशाला तैयार करते हैं, उसके बाद में हम पौधशाला से पौध निकालकर मुख्य खेत में इसकी रोपाई करते हैं। मुख्य खेत में जब हम इसकी रोपाई करते हैं तो रोपाई के साथ से लेकर और इसमें जब कल्ले फूटने शुरू होते हैं, यह जो अवस्था होती है इनके रोपाई के दिन से लेकर और कल्ले बनने तक, यह खरपतवार नियंत्रण के लिए जो समय है बड़ा क्रांतिक अवस्था होती है। यानी कि फसल की जो हमारी कुल अवधि है जैसे 125 से लेकर और 135 दिन तक के मध्य पकने वाले धान में प्रथम जो महीना है या पहले 45 दिन है, यह खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत ही बड़े रूप में क्रांतिक अवस्था इसकी मानी जाती है। अतः इस अवस्था में खरपतवार खेत के अंदर नहीं होने चाहिए। अच्छा प्रभावी नियंत्रण हो सके इसके लिए किसान भाई पहले से ही खेत की तैयारी अच्छी रखें। इसमें होता क्या है कि जब हम मिला जुला खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और प्रभावी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जब खेत की तैयारी करें रोपाई के दिन, तो उससे करीब एक या दो सप्ताह पहले से ही आप जुताई करें सूखे खेत में, और जुताई करने के बाद में उनको नष्ट कर दें खरपतवारों को, या फिर जब हम पानी भरने के बाद उसमें हल, रोटावेटर, कल्टीवेटर या पडलर, ट्रैक्टर चालित जो मशीनें हैं उनको चलाते हैं, तो इससे हमारी पडलिंग का कार्य पूर्ण हो जाता है और हमारे जो घास पात खरपतवार वह सभी सड़ जाते हैं भूमि के अंदर, और फिर हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने पर आप खरपतवार नियंत्रण में अच्छा पाते हैं। तो एक तो खेत की तैयारी के समय ध्यान रखेंगे, दूसरा रोपाई का सही समय रखेंगे। अब बात आती है कि खरपतवार नियंत्रण का कार्य किन किन अवस्थाओं पर और किस विधि से करना है, तो हम समन्वित खरपतवार नियंत्रण का कार्य अपनाएंगे। समन्वित में जो हमारा यांत्रिक विधि के द्वारा, यांत्रिक विधि से जो खरपतवार नियंत्रण है उसमें जो हमारे जैसे रोटावेटर, हल, यह रोपाई से पूर्ण प्राप्त कर लेंगे। दूसरा जो खरपतवार नियंत्रण है, जैसे हम रोपाई करेंगे, रोपाई करने के बाद में वीडो
जो एक मशीन होती है वीडर जिसको बोलते हैं, तो यह मानव चालित होता है। तो यह पंक्तियों के बीच में से हम इसको, ये मानव चालित होता है और इसको हैंड वीडर भी बोलते हैं। इसमें आगे एक व्हील लगा होता है और पीछे इसका रोटावेटर लगा होता है। तो यह जो खरपतवार होते हैं उनको निकालता रहता है और किसान भाई इसको इकट्ठे करके खेत से बाहर निकाल सकते हैं। यह आप जो है रोपाई के 15 से 20 दिन के मध्य और दूसरी जो वीडिंग है वह 45 दिन के मध्य आप कर दें। तो इस प्रकार से जो हमारा खरपतवार नियंत्रण का कार्य बिना किसी रसायन के पूर्ण हो जाता है। दूसरा जो खरपतवार नियंत्रण है वह कार्य हम खुरपी के द्वारा निराई कर सकते हैं। खुरपी के द्वारा निराई करने के लिए रोपाई के 15 से 20 दिन के मध्य का समय बड़ा उत्तम रहता है। इसमें किसान भाई जो है कम लागत में ही खरपतवार नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। यहीं पर जब यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण का कार्य हमारे किसान भाई ना करना चाहते हों या ऐसी परिस्थितियाँ ना हों, तो रासायनिक विधि से भी खरपतवार नियंत्रण का जो कार्य है वह बड़ा ही प्रभावी किया जा सकता है। इसमें ध्यान रहे कि खरपतवारों को एक अंकुरण से पहले और दूसरा अंकुरण होने के पश्चात वृद्धि काल में नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे धान की रोपाई हम करेंगे तो धान की रोपाई करने के बाद प्रथम 3 दिन तक या कभी कभी प्रथम 5 दिन तक आप इसमें प्री इमरजेंस जो खरपतवार नाशी है, यानी कि खरपतवार आपके न उगे हों और आपने फसल की रोपाई कर दी हो, तो उसमें जो रसायन है ब्यूटा क्लोर और दूसरा प्रीटीला क्लोर, ऑक्सीडाइजोन, ये जो खरपतवार नाशी हैं इनकी मात्रा, यदि आप ब्यूटा क्लोर प्रयोग कर रहे हों तो 2 लीटर मात्रा, पेंडीमेथालिन यदि प्रयोग कर रहे हों तो 3 लीटर मात्रा, प्रीटीला क्लोर इस्तेमाल कर रहे हों तो 2 लीटर मात्रा को 600 लीटर पानी में घोल बना लें और रोपाई के 2 से 5 दिन के मध्य थोड़ा पानी खेत में ज़रूर हो तब आप छिड़काव कर दें। तो इससे आपका जो हमारे खरपतवार हैं वह नहीं उगेंगे और निश्चित रूप से अच्छा हमें इसमें लाभ मिलेगा। इसके बाद ही बात आती है कि यदि खरपतवार आपके खेत में उगे हों तो उनका नियंत्रण आपको करना होता है। यदि आप उसमें ना कर पाए हों तो ध्यान रहे, इसमें आपको पहचानना होगा कि किस तरह के खरपतवार हमारी धान की फसल को संक्रमित कर रहे हैं। इसमें 3 तरह के खरपतवार उगने देखे जाते हैं, जैसे घास कुल के खरपतवार, इनमें इकाइनोकलवा यानी कि सामक या देसी धान या जंगली धान, दूसरे डिजिटेरिया स्पीसीज जो हमारे धान के जैसी होती है और उसमें बाली भी होती है, हल्की हल्की दाने बहुत बारीक होते हैं और बड़ी तेज़ी से वृद्धि होकर जो है धान की फसल को संक्रमित करता है। ये तो घास कुल के पौधे हुए। अब तीसरे जो सबसे खतरनाक हैं इसमें वह हम बोलते हैं उनको सेजिज, यानी कि मोथा या मोथे जैसे दूसरे घास हैं जो हमारे साइनोडोन या साइप्रस रोटंडस या साइप्रस डिफोर्मिस या साइप्रस ईरिया, तो ये जो खरपतवार हैं ये काफ़ी तेज़ी से बढ़कर हमारी धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये घास कुल के खरपतवार और सेजिज। इनके बाद आता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो धान की फसल में जो मुख्य रूप से देखे जाने वाले या पाए जाने वाले खरपतवार हैं उनमें से सबसे मुख्य है गरुंदी मार्क, यानी कि जो हमारा अल्टरनेदा जो जो है इसमें, और दूसरा इसमें है सबसे बड़ा वन मिर्ची, और तीसरा है इसमें कोमेलिना बेंगलेंसिस। तो जो ये गरुंदी मार्क, वन मिर्ची या जो जलकुंभी, तिपतिया, ये सभी प्रकार के खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले हैं। तो इस प्रकार से कोई भी खरपतवार यदि हमें खेत में दिखाई दे रहा हो, जब यह 2 से 4 पत्ती के मध्य हो, यानी कि रोपाई के 20 दिन के आसपास आप खेत में देखें, और जो 2 या 3 तरह के रसायन आप इस समय हमारे पास बाज़ार में मौजूद हैं खरपतवार नाशी, उनमें 20 पायरीबैक सोडियम का जो रसायन है, 50 ग्राम सक्रिय तत्व यदि हम इसको ले लेते हैं और इसका जो सर्फेक्टेंट है वो भी साथ में ले लें, तो यह हमारी इस अवस्था पर 600 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि हम छिड़काव कर दें, ध्यान रहे छिड़काव करते समय खेत में अधिक पानी न भरा हो, तो यह जमे हुए खरपतवारों को, जो अंकुरण जिनका हो चुका है, उनको नष्ट कर देता है और प्रभावी रूप से इसका नियंत्रण किसान भाइयों को मिलता है।